दशहरा पर्व के मौके पर बेटना पुलिस थाना में शस्त्र पूजन हुआ, जहां थाना प्रभारी ने शस्त्र पूजा की। शस्त्र पूजन के उपरांत सभी को शुभकामनाएं देकर मिठाई बांटी गई। इस पूजन के दौरान थाना प्रभारी संजय सिंह सहित थाना स्टाफ और पुलिस बल मौजूद रहा। थाना प्रभारी ने सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए त्योहार को शांति पूर्वक मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। हम आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष पुलिस थाना परिसर में शस्त्रों की पूजा की गई। यहां सदियों से चली आ रही परंपरा अनुसार शस्त्रों का पूजन किया गया, साथ ही वाहनों को भी सजाकर पूजन किया। पंडित जी ने सभी को रक्षा सूत्र बांधे। आज के दिन हर कोई प्राचीन परंपरा के अनुरूप अपने अपने घरों में भी शस्त्रों की पूजा करते हैं। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हरि ओं महागणनन्त्वा गणपतिर्गुं भवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गुं भवामहे त्रिवस्त्राणिं समर्पणमः पञ्चोक्षास्पुर्यात् कम्पोक्षिताणिं समर्पणमः अभिरं च मूलार्थ विद्वान् नानाप्रमन्त्रगान् गणाद परमेश्वरः भूवस्वं श्री महागजान् देवता प्रियतान्म वृणार देवता प्रियतान्म जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्लंबोदरस्य जननी भूर्मां श्री जगदम्बे दुर्गा देवता सर्वत्र स्थापित देवता शरद नवरात्रे महापुरनाथे विजय आज दशहरा पर्व पर मैं थाना प्रभारी बेटमा संजय सिंह, थाना बेटमा क्षेत्र के एवं नगर बेटमा के सभी निवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज परंपरा अनुसार थाना बेटमा में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शस्त्र पूजन के दौरान थाने का समस्त स्टाफ, जनमन, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में माँ दुर्गा एवं शस्त्रों की पूजा की गई और मंगल कामना की गई। मैं पुनः नगरवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।